हेलो स्टूडेंट्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन नंबर। अ नर्स इज असेसिंग एन ओल्डर एडल्ट विद द डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया। तो सबसे पहले अंडरलाइन करें डिमेंशिया के नीचे। विच मैनिफेस्टेशन यानी कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सपेक्टेड इन दिस क्लाइंट। डिमेंशिया में कौन कौन से फीचर्स मिल सकते हैं, इस बात पे जरूर फोकस कर लीजिएगा एक बार जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई मतलब मल्टीपल आंसर राइट हैं, आपको एक से ज़्यादा आंसर सेलेक्ट करने हैं जो इन पांचों में से डिमेंशिया के लिए सही हैं। सेलेक्ट कीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं मैं बता दूँ, हम सॉल्व कर रहे हैं मौजवी एनक्लैक सीरीज 19th एडिशन के सारे क्वेश्चन सिस्टम वाइज। क्वेश्चन नंबर 140 तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी वीडियोस पहले मैं अपडेट कर चुका हूं। चलिए शुरू कीजिए। रेजिस्टेंस टू चेंज, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट, प्री ऑक्यूपेशन विद पर्सनल अपीयरेंस, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन न्यू एक्टिविटीज और इंटरेस्ट, टेंडेंसी टू ड्वेल ऑन द पास्ट एंड इग्नोर द प्रेजेंट। सही आंसर लगाइए, पूरा समय मिलेगा जो भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक से ज़्यादा आंसर सही हैं और ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इस तरह के मल्टीपल आंसर वाले भी आने लगे हैं तो इनकी भी प्रैक्टिस हमें करनी होगी। शुरू कीजिए। एक मैं हिंट देता हूँ आपको, चलिए इन पांच में से एनी फोर इज राइट, अमंग ऑल फाइव फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए आप सेलेक्ट कीजिए डिमेंशिया के लिए। पूरा टाइम दे रहा हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, अभी भी आप लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। डिमेंशिया वाले के अंदर रेजिस्टेंस टू चेंज होगा या नहीं होगा इसकी बात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ हमने देखा था कि हाइपोक्सिया हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इम्पेयर होती है, जिसकी वजह से ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्ट होते होते क्लाइंट की मेमोरी, अफेजिया, एग्नोजिया, इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है और वो नई कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म, कल के वीडियो में क्वेश्चन था कि कोई भी न्यू डिफेंस मैकेनिज्म वो ना सीखना चाहता है ना यूज़ करना चाहता है, जो भी उसने पास्ट में सीखा है बस वो उसी में कंफर्टेबल फील करता है, वो नया कुछ सीखना नहीं चाहता क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता। डिमेंशिया इज़ अ इम्पेयरमेंट इन इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी एंड मेमोरी। वापस आइए, तो इस वजह से वो कोई भी नया बदलाव नहीं चाहता है क्योंकि उसे नया एनवायरनमेंट लर्न करना होगा, पर वो कोई बदलाव नहीं चाहता है और इसी वजह से वो क्या करता है, रजिस्ट करता है न्यू चेंज के खिलाफ, वो पहले के ही जैसी सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करता है। यानी राइट आंसर है ए। ए आगे बढ़ते हैं। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट, डिमेंशिया के लिए फीचर ट्रिपल ए साइन फेमस हैं, अफेजिया, एग्नोजिया, अमनेजिया, अफेजिया, अप्रेक्सिया एंड अग्नोजिया। तो ये बात हो रही है एग्नोजिया की, अगर आपने कोर्साकॉफ साइकोसिस पढ़ी है तो कोर्साकॉफ एक डिमेंशिया होता है, तो अग्नोजिया मतलब किसी भी फैमिलियर ऑब्जेक्ट को पहचानने से इनेबल हो जाना। क्यों? वही रीज़न है जो बार बार आ रहा है कि उसको नई मेमोरी नहीं बना सकता वो, या उसे इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, तो इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट ये भी इसका करेक्ट आंसर है। प्री ऑक्यूपेशन विद पर्सनल अपीयरेंस, पर्सनल अपीयरेंस के बारे में पहले से ही वो थॉट रखता है। देखिए डेलीरियम हो या डिमेंशिया हो, दोनों ही मरीज, डेलीरियम हो या डिमेंशिया हो, दोनों ही मरीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं क्योंकि डेलीरियम वाला तो क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस में रहता है और डिमेंशिया वाला क्रोनिक प्रोग्रेसिव रूप से इतना सिवियर हो चुका है कि उसे कुछ याद नहीं रहता है, तो वो पर्सनल अपीयरेंस को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। यानी नर्स को ही या स्टाफ मेंबर्स को ही पर्सनल हाइजीन वगैरह केयर पूरी मेंटेन करनी होती है, तो इसका डिमेंशिया से कोई रिलेशन नहीं है कि वो प्री ऑक्यूपाइड रहेगा पर्सनल अपीयरेंस को लेके या अपनी हाइजीन या ड्रेसअप को लेके, तो ये आंसर नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैंने बोला चार आंसर सही हैं, लेकिन रैशनल तो समझ लीजिए। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, बिल्कुल सही बात है, कहाँ से करेगा कंसंट्रेट, और सबसे पहले इस वर्ड पर फोकस करें। न्यू एक्टिविटीज़, वही बात हो गई जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई नई डिफेंस मैकेनिज्म, कोई नई एक्टिविटी, कोई एनी काइंड ऑफ सच न्यू एनवायरनमेंट, ही इज़ नॉट एबल टू लर्न एंड ही डज नॉट हैव इंटरेस्ट टू लर्न,
ना तो उसे इंटरेस्ट है और ना ही वो कर सकता है, तो ये भी आंसर सही है। एंड टेंडेंसी टू ड्वेल ऑन द पास्ट, वो तो पास्ट में तो जिएगा ही, जब नई सिचुएशन नहीं चाहता है, नया एनवायरनमेंट नहीं चाहता है, नई कुछ लर्न नहीं करना चाहता, मेमोरी उसकी इम्पेयर्ड हो चुकी है, इंटेलेक्चुअलिटी उसकी डिक्लाइन हो चुकी है, ब्रेन सेल डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं, तो वो नई सिचुएशन को तो इग्नोर ही करेगा ना। बार बार वही बात आ रही है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पास्ट में ड्वेल रहेगा, पास्ट में खोया रहेगा, या पास्ट की सिचुएशन को वो कंफर्टेबल फील करेगा पर प्रेजेंट को इग्नोर करेगा। ये भी राइट आंसर है, इसका सही आंसर है ए बी डी ई, मॉसबी के अकॉर्डिंग 1, 2, 4, 5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। व्हेन आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ क्लाइंट विद अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज का क्लाइंट है और नर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स को इस डिजीज के रिगार्डिंग, तो इन चारों में से दिस डिजीज इज अल्जाइमर डिजीज के रिगार्डिंग या मोस्ट कॉमन जो डिमेंशिया है उसके रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है। ऑन दैट इमर्ज इन द फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ, फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ में होती है बीमारी, स्लो रिलेंट लेस डिटेरियोरेशन ऑफ द माइंड, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और डिटेरियोरेशन करती जाती है, फंक्शनल इन ओरिजिन दैट अकर्स इन द लेटर ईयर्स, या डायग्नोसिस थ्रू लेबोरेटरी एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 15 सेकेंड्स, स्टार्ट करें। शुरू करते हैं। ये बीमारी फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ में बढ़ती है। फोर्थ डिकेड का मतलब क्या हो गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, यानी कि 30 से 40 साल में बढ़ती है। क्या ऐसा सच है? 30 से 40 साल में नहीं, ये बीमारी 50 ईयर्स के बाद में होती है, यानी 50 टू 60 ईयर्स ऑफ एज ये होती है। डायग्नोसिस थ्रो, इसको हटा सकते हैं सबसे पहले, इसको इसलिए हटा सकते हैं, देखो ये भी गया, इसको क्यों हटा सकते हैं, देर इज नॉट एनी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस येट फॉर अल्जाइमर डिजीज एक्सेप्ट ऑटोप्सी, क्योंकि ऑटोप्सी में ही ब्रेन चेंजेस या ब्रेन डिस्ट्रक्शन दिखाई दे सकता है सेल्स का। इसके अलावा कोई भी साइकोलॉजिकल या लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है जो कन्फर्मली डिफाइन करेगा इस बंदे को अल्जाइमर डिजीज है, तो ये भी गलत हो गया। ये बहुत आसानी से हटा सकते हो, आप इस वर्ड पे फोकस करें, अल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमनली क्या है, डिमेंशिया है, और डिमेंशिया डेलीरियम किस में आते हैं, ऑर्गेनिक में, ना कि फंक्शनल में। भाई इसका तो दूसरा नाम ही क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है, और जबकि यहाँ फंक्शनल वर्ड लिखा हुआ है कि ये ओरिजिन जो है ये फंक्शनल होता है, ऐसा नहीं है। डिमेंशिया एक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, ये भी गलत हो गया। ये बीमारी स्लो एंड प्रोग्रेसिवली बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्रेन के टिश्यू को डिटेरियोरेट करती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। पहले तो स्टार्ट करने से पहले इस वर्ड पे फोकस कर लें, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो एक से ज़्यादा मल्टीपल आंसर सही हैं। अर्ली डिमेंशिया है, अर्ली डिमेंशिया स्टेज है किसकी, अल्जाइमर डिजीज़ की, अर्ली डिमेंशिया स्टेज है अल्जाइमर डिजीज़ की, एडमिटेड टू ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी की वजह से क्लाइंट मतलब लंबे समय तक रहने के लिए केयर के लेने के लिए एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, और कौन कौन सी एक्टिविटी नर्स को इनिशिएट करनी चाहिए, इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो नर्स को इनिशिएट करनी चाहिए, एक से ज़्यादा आंसर सही है, ठीक है। वेइंग द क्लाइंट वंस ए वीक, एक हफ्ते में कम से कम उसका वेट नापेंगे, स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन इक्विपमेंट रखेंगे अवेलेबल, कीप द क्लाइंट इन पजामाज एंड रोब मोस्ट ऑफ द डे, उसको पजामाज और रोब यानी कोई गाउन टाइप उसमें वो उसको प्रोवाइड कराएंगे मोस्ट ऑफ द डे, इस्टेब्लिश ए शेड्यूल विद पीरियड्स ऑफ रेस्ट आफ्टर एक्टिविटीज, रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे एक्टिविटीज़ के बाद, रिव्यू द क्लाइंट वीकली बजट, वीकली बजट उसका रिव्यू करेंगे, एंड यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, और उसके कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे,
सेटअप ए प्लान फॉर वीकली एंटरटेनमेंट थ्रू ए सीनियर सिटीजन ग्रुप। सीनियर सिटीजन ग्रुप में उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे ताकि उसका एंटरटेनमेंट हो सके। टाइम पूरा मिलेगा, कम से कम 30 से 35 सेकंड। स्टार्ट करें, एक से ज़्यादा आंसर सही है। शुरू करें, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जिन्हें आता है वो जल्दबाजी ना करें या जल्द औरों को भी सोचने का मौका दें, औरों को भी पार्टिसिपेट करने दें। और सोचिए, सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए, जो बिल्कुल आंसर नहीं है उसे हटा दीजिए। मैं एक हिंट देता हूँ, जिन्होंने भी अब तक आंसर दिए हैं वो करेक्ट कर सकते हैं। हिंट है, अमंग ऑल दी सिक्स देयर इज़ ओनली थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। तीन ही ऑप्शन करेक्ट हैं, बाकी तीन गलत हैं। अब आप आंसर बताइए दोबारा से। चलिए शुरू कर रहे हैं, अभी भी आप आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले इनमें से एक ऑप्शन मेरे दिमाग में जो आ रहा है, जिसे हम बहुत आसानी से हटा सकते हैं, वो ये है ई। जानते हैं क्यों? रिव्यू द क्लाइंट वीकली बजट। क्लाइंट का वीकली बजट रिव्यू करेंगे। अगर आपके पैसे को कोई रिव्यू करेगा, आपकी सेविंग को कोई रिव्यू करेगा, या आपकी कम्युनिटी में आपके कमाने के साधन क्या क्या हैं उनको इंटरप्ट करेगा, उनको चेक करेगा, तो आपको भी तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, तो क्लाइंट को भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्लाइंट भी विड्रॉन हो सकता है इस सेंटेंस पे। तो ये सेंटेंस फिट नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति का वीकली बजट रिव्यू करें अल्जाइमर डिजीज में। तो ये तो हो गया गलत। और देखिए, एक ऑप्शन में एक ऐसा शब्द छुपा हुआ है जो हम नेगेटिव वर्ड मानते हैं, और वो है पूरे दिन भर पजामा पहनाना। मोस्ट ऑफ द डे वर्ड पे फोकस कराएं। मोस्ट ऑफ द डे मतलब अगर सारे दिन भर वो एक ही ड्रेस में रहेगा या एक ही पैटर्न में रहेगा तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द डे वर्ड से आप सी ऑप्शन भी हटा सकते हैं। अब बचे चार, इनमें से एक और गलत है, और गलत है एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता डिमेंशिया वाला, वो भी अल्जाइमर डिजीज वाला। अल्जाइमर डिजीज वाला डिमेंशिया, जो कि मोस्ट कॉमन डिमेंशिया है, ही इज अनेबल टू पार्टिसिपेट, वो कर ही नहीं सकता। हम बार बार डिमेंशिया पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ब्रेन सेल्स क्रोनिकली प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्ट होती जाती हैं, तो उसको कोई मेमोरी भी याद नहीं रहती। वो एंटरटेनमेंट के लिए सीनियर सिटीजन ग्रुप में पार्टिसिपेट करने में असमर्थ होता है, अनेबल होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये भी आंसर हो गया गलत। अब कर लेते हैं सही आंसर की बात। वेट करेंगे एटलीस्ट वंस अ वीक, एक हफ्ते में कम से कम उसका वजन चेक करते रहेंगे। क्यों? ताकि न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चलता रहे, न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये सही हो गया। स्पेशलाइज्ड रिहैबिलिटेशन इक्विपमेंट, कुछ ऐसे स्पेसिफिक इक्विपमेंट हम क्लाइंट के लिए अवेलेबल रखेंगे जिससे वो खुद पार्टिसिपेट कर सके अपनी सेल्फ केयर में। इसको समझिएगा, हम ऐसे कोई भी इक्विपमेंट अवेलेबल रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिमेंशिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, 60 साल के बाद ये पैदा होती है या बढ़ती चली जाती है। अब क्लाइंट जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है, हमारे पास 70 साल के मरीज भी आएंगे, 80 साल के मरीज भी आएंगे, पेशेंट आएंगे, वो सेल्फ केयर तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसे कोई ईजी इंस्ट्रूमेंट या ईजी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट नहीं इक्विपमेंट, जिसे वो आसानी से अपनी सेल्फ केयर में पार्टिसिपेट कर सकें, वो सपोज़ बाथिंग के लिए हम शावर अवेलेबल करवा सकते हैं इफ़, तो शावर से वो इजीली अपनी बाथ ले सकता है। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या जटिल हमें इक्विपमेंट नहीं रखना है जिससे वो सेल्फ केयर खुद की ना कर पाए। हमें ऐसे स्पेशलाइज रिहेबिलिटेशन इक्विपमेंट रखने हैं जिससे उसका रिहेबिलिटेशन अच्छे से किया जा सके। तो बी भी सही है, और ये तो होना ही था सही। आफ्टर एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के बाद लगातार थोड़ी एक्टिविटीज़ करवाते रहेंगे, उसको रेस्ट भी तो देना पड़ेगा।
आप पेशेंट की एज पे फोकस करें, डिमेंशिया वाले पे फोकस करें, ऊपर से अल्जाइमर डिजीज, तो रेस्ट वाला तो आंसर जाएगा ही जाएगा। तो ये हुए आंसर आपके ए बी और डी राइट, यानी मोस्टली अकॉर्डिंग 1, 2 and 4 दैट इज़ द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।